जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं क्या क्या कंज्यूमर्स के राइट्स हैं क्या क्या कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलटीज़ हैं ये सारी चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस बाय द प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी चीटिंग से बचाना आजकल मार्केट में सेलर्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा बहुत सारे एक्सप्लाइटेशंस की टेक्निक्स होती हैं मेथड्स होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं और कंज्यूमर्स उसमें धोखा खाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सेलर लीड रोल में थे तब चला करता था कैवियट एम्पटर इसका मतलब होता है लेट द बायर वेयर इसका मतलब ये है कि आप जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा जागरूक रहने की जरूरत थी धीरे धीरे समय बदलता चला गया आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कैवियट व इसका मतलब होता है लेट द सेलर बी अवेयर इसका मतलब ये है कि अब कंज्यूमर्स ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं उनको अपने राइट्स ड्यूटीज और इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ता जा रहा है तो इसीलिए अब सेलर्स को अवेयर रहने की जरूरत है कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स एडल्ट्रेशन फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग एसेट्रा आजकल कंज्यूमर्स के साथ धोखा करने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के मेथड्स हैं जैसे कि डिफेक्टिव और अनसेफ़ प्रोडक्ट्स एडल्ट्रेशन यानी मिलावट फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट गलत इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाना, ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग जैसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कंज्यूमर्स को आज के समय में फेस करना पड़ता है ड्यू टू प्रोड्यूसर्स और सेलर्स दस देर आ नीड टू प्रोवाइड एडिक्यूट प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट सच प्रैक्टिस इसीलिए आज कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है सभी कंज्यूमर्स के लिए चलिए अब देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं फिर बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं फ्राम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेड इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड तो आजकल भले ही कंज्यूमर्स पढ़े लिखे हैं पर उनको अपने राइट्स और रिलीफ्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है इसलिए आए दिन उनके साथ कोई ना कोई एक्सप्लॉयटेशन के केसेस होते रहते हैं पर वो उसको खुलकर सामने नहीं लाते हैं तो इसीलिए कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गनाइज एंड देर लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच वुड एक्ट इन देयर इंटरेस्ट हमारे इंडिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओस जो कंज्यूमर्स को सपोर्ट करते हैं इनकी बहुत कमी है इसी कारण से कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचने वाले लोग बहुत ही कम हैं कंज्यूमर ऑर्गनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में इंफॉर्म करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए तो इसीलिए भी हमको कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड ऑन लार्ज स्केल बाय मीन्स ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन जैसे जैसे मार्केटिंग ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बढ़ती जा रही हैं प्रोड्यूसर्स और सेलर्स कई तरीक़ों से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इसलिए हमको उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें बिजनेस का भी रोल होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना किन कारणों से बिजनेस को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए चलिए इसको समझ लेते हैं सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड ग्लोबल कॉम्पिटिशन वुड बी वॉर्न ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स सेटिस्फाइड कस्टमर्स लीड टू रिपीटेड सेल्स एंड दस हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है अच्छी गुडविल बनाना है तो कहीं ना कहीं उनको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जैसे ग्लोबल ट्रेंड चल रहे हैं कस्टमर्स बाहर से भी सामान मंगाते हैं दूसरी कंट्रीज से तो सीधी सी बात है कॉम्पटिशन में रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके गुड्स एंड सर्विसेज से कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज एवरी बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड दस इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन सोसाइटीज़ इंटरेस्ट तो हर बिजनेसमैन क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हों इसीलिए हर बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के बारे में और उसके इंटरेस्ट के बारे में ज़रूर सोचें नेक्स्ट है सोशल रिस्पांसिबिलिटी अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स लाइक ओनर्स वर्कर्स गवर्नमेंट कस्टमर्स एक्सेट्रा दस कस्टमर्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हर बिजनेस मैन की कई रिस्पॉन्सिबिलटीज़ बनती हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी टूवर्ड्स द वेरियस स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स में कंज्यूमर्स ओनर्स गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग आते हैं और उन सब के बारे में ध्यान देना पड़ता है और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने सोसाइटी को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो भी रीजनेबल प्राइस में मोरल जस्टिफिकेशन इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू एक्ट इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड अवॉइड

बिजनेस मैन को लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान हो सकता है उनकी सेलिंग कम हो सकती है उनका प्रॉफिट कम हो सकता है और गुडविल पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा लास्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इफ़ बिजनेस एंगेजेस इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस देन गवर्नमेंट टेक्स एक्शन अगेंस्ट इट विच विल एडवर्सली अफेक्ट द गुडविल ऑफ द कंपनी हमको ये भी पता है कि अगर हम लगातार कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और गवर्नमेंट को पता चलता है तो निश्चित ही गवर्नमेंट नेसेसरी लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेगी और जब भी ऐसा होगा तो निश्चित ही वो आपकी गुडविल पर बहुत बुरा असर डालेगी और हो सकता है कि आपके बिजनेस की फंक्शनिंग पर भी बहुत बुरा असर पड़े तो इसीलिए अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के एक्शन से बचना है तो निश्चित ही आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा तो ये हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसके इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए और हमारा चैनल मिशन कॉमर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहिए तब तक के लिए थैंक यू